अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, आप सबका इस चैनल पे वेलकम है। आज की इस वीडियो में आप लोग अलराजी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, यानी एक नया मोबाइल हमने एक दोस्त ने ख़रीदा है तो उसमें लॉगिन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि दूसरे मोबाइल में जब हम लॉगिन करते हैं तो उसमें रजिस्टर्ड का मसला होता है, या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है 48 घंटा, 72 घंटा या 24 घंटा। तो आपको ये सबसे बचने के लिए आप इस तरीके से जब लॉगिन करेंगे तो फिर आपको 72 घंटा या 24 घंटा या 48 घंटा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हम इधर ये जो पुराना मोबाइल हैगा इसमें लॉगिन पहले से है, तो इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद फिर हम नए मोबाइल में लॉगिन करेंगे। तो जैसे हमने ये पुराने मोबाइल में लॉगिन किया और ये OTP आ चुका है, ये आप देख सकते हैं नए मोबाइल में OTP आ गया है। तो अब हम इस OTP के अंदर लिखेंगे और OTP लिखने के बाद फिर आप ये देख सकते हैं इधर में ये एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है पुराने मोबाइल में। अब आपको ये पॉइंट वाले ऑप्शन को ओके करना है। पॉइंट वाला ऑप्शन जिधर आपकी प्रोफाइल है आप इसको ओके करेंगे। जब आप इसको ओके करेंगे तो फिर अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये इसको आप ओके करेंगे। ये आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन को, तो अब हम इधर से ओके कर लेते हैं। और इसको ओके करने के बाद आप इधर से चेक कर सकते हैं अपना यूज़र नेम, क्योंकि नए मोबाइल में आपको यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इधर से ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इधर से ये रजिस्टर्ड डिवाइस जो लिखा हुआ हैगा इसको ओके करेंगे। और इसको ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये मोबाइल का नाम भी इधर में शो होगा, आप इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद ये आप इधर चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल क्या कौन सा हैगा और एंड्रॉयड कितना नंबर है, क्या नाम है। तो आप इधर से सब चेक करने के बाद आप इधर से इसको डिलीट करेंगे। जब आप इसको डिलीट करेंगे तो फिर आपके इस अलराजी एप्लीकेशन आपके इस मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। अब आपको इधर से नए मोबाइल में लॉगिन करना है। तो अब हम इधर से ये बैग चले जाएंगे, ये इधर से लॉग आउट किया और लॉग आउट करने के बाद अब हम ये नए मोबाइल में लॉगिन करेंगे। तो अब हम इधर से ये यूज़र नेम और पासवर्ड लिख करके लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमने इधर यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लिया और फिर ये लॉगिन किया, ये नए मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने ये इस तरीके से शो होगा, आपको इसको ओके करना है। ये आप देख सकते हैं डिवाइस रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है डिवाइस, और फिर आपको ये रिसीव हुए कॉल को ओके कर लेना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आप आगे इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं अब आपके मोबाइल में एक कॉल आएगी, उस कॉल को आप रिसीव करेंगे और उस कॉल में जो भी आपसे पूछा जाएगा उस नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे और For no, please enter the verification code that was sent to the registered mobile number. Please enter the verification code that was sent to the registered mobile number. According to your request, the device has been certified. Happy to assist you. OTP aur number likhne ke baad fir ye call automatic disconnect ho jayegi. फिर आपको इधर से बैग चले जाना है, ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, इसको ओके करेंगे। जब आप इसको ओके करेंगे तो फिर आपके सामने लॉगिन वाला ऑप्शन होगा, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर में ये लॉगिन लिखा हुआ होगा, इसको आप ओके करेंगे। ये लॉगिन को जैसे हमने ओके किया और ओके करने के बाद अब हम इधर से दोबारा से यूज़र नेम और पासवर्ड लिख करके लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद अब उसमें OTP भी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इस OTP को इधर लिख लेते हैं और OTP लिखने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं ये अलराजी एप्लीकेशन ये नए मोबाइल में ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने नए मोबाइल में अलराजी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग 48 घंटा, 72 घंटा, 24 घंटा वेट करते हैंगे। तो इस तरीके से आप लोग वेट नहीं कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।